हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंड न्यूज़ में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो 25 और 26 मई की करंट अफेयर से संबंधित होगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन दे रखा है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आए तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्पेन की वर्ल्ड फेम 100 लिस्ट में दुनिया का सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी कौन है? क्या स्पेन की वर्ल्ड फेम की जो 100 लिस्ट है, यानी टॉप जो वर्ल्ड में फेम, यानी कि जो फेमस जो सेलिब्रिटी है 100, उन लिस्ट में दुनिया का सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी कौन सा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका आंसर क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मलेशिया के इतिहास में पहली बार किस भारतीय सिख को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? महाथीर मोहम्मद, नरेंद्र नेगी, डी के रावत, गोविंद गोविंद सिंह देव। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, गोविंद सिंह देव। किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पताल में बीमारियों की निगरानी और टेलीमेडिसिन सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु निदान नामक एक नया सॉफ्टवेयर निदान कौन नया हाल सॉफ्टवेयर हाल ही में लॉन्च किया है? कौन सा सॉफ्टवेयर, इसका नाम क्या है, ये भी आपको याद रखना है। निदान निदान नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाली 27 मई यानी कि आज की डेट को 2018 को देश के प्रतिष्ठित सड़क मार्ग परियोजना कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कौन करेगा? तो आज के दिन माननीय नरेंद्र मोदी कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे आज के दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य में देश के पहले राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी दिया है? यानी कि पहला राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, कौन सा राज्य है? वो मणिपुर है। ठीक है, मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का गांडीव विजय 2018 नामक युद्ध अभ्यास 23 मई 2018 को कहाँ पर समाप्त हुआ था? राजस्थान के अंदर। ठीक है, दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस अभी हाल में कब मनाया गया? 23 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 24 मई 2018 को सरकार की महत्वाकांक्षी समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत किसने की है? प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने? प्रकाश जावड़ेकर। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। हाल ही में 24 मई 2018 को किसने उत्तर कोरिया के नेता कौन है, आप सभी उनसे जानते हो, ताना किम जोंग के साथ होने वाली सिंगापुर शिखर वार्ता को रद्द कर दिया? डोनाल्ड ट्रंप। आप सभी भली भांति परिचित होंगे, डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के राष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने हाल ही में नेपाल को ट्रेकोमा संक्रमण बीमारी से मुक्त देश घोषित किया है? किस संगठन ने हाल ही में नेपाल को ट्रेकोमा, क्या होता है ये ट्रेकोमा जो है वो आँख की एक बीमारी का नाम है। ट्रेकोमा एक संक्रामक बीमारी होती है आँखों की, तो उसको संक्रामक बीमारी से मुक्त देश घोषित किसको किया है? नेपाल को किया। और किसने किया? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसको अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो अनुव्रत विश्वास। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स बिजनेस फ्रॉम लीडरशिप अवार्ड में किस अभिनेत्री को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये दोस्तों, जो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो क्वेश्चन है,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपको कि किस अभिनेत्री की सेलिब्रिटी को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो वो श्रीदेवी को। ठीक है, नेक्स्ट। तो आज का ये जो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले जो 24 मई को जो हमने आपको अभ्यास प्रश्न दिया था, 24 मई का, 24 मई का जो हमारा अभ्यास प्रश्न था वो क्या था, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो उसका जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा अभ्यास वीडियो आपके लिए ये होगा कि दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक का सबसे बड़ा संयुक्त वायुसेना अभ्यास हाल ही में किया गया था, इस अभ्यास का क्या नाम था। तो जो इसके चार ऑप्शन है, इसका इनमें से एक आंसर आपको देना है, तो इसका आंसर आप हमें अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और इसका जो राइट आंसर होगा वह हम अगली वीडियो में नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। तो वीडियो पूरा करने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में लाइक बटन को भी प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, और साथ में अपने फ्रेंड को हमारे वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि उसका फ़ायदा अन्य किसी को हो सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।